हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभम फॉर यू। और दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे वंडर सेल फिल्मोरा से वर्टिकल साइज में फुल स्क्रीन का स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा, जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये आपका वंडर सेल फिल्मोरा होगा, यहाँ पे आपको इमेज ड्रैग करनी है। इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, और जो भी इमेज मुझे लगानी है मुझे वहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट करके या इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट कर ली, और ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, ये इमेज सेलेक्ट कर ली। जो भी आपको इमेज लगानी है आप वो इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ से दो तीन इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, और मैं उन्हीं को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद दोस्तों, ये तीन इमेजेस हैं। आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसका रेशियो चेंज करना है। यहाँ से जो लिखा है ये इसको करना है यहाँ पे कस्टम, और यहाँ पे भी कस्टम करना है। यहाँ पे 1080 करना है और 2280 करना है। 19:9 का ये हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेम रेट इसको करना है 30 फ्रेम पर सेकेंड, और ओके कर देना। तो आपको ये साइज वहाँ पे, अब आपको इमेज ड्रैग करनी है। जैसे ही आप इमेज ड्रैग करोगे आपको ये इस तरह से यहाँ पे शो मिलेगा। तो दोस्तों, इसको फुल कर लेना। आपको फुल करने के दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्रॉप टू फिट कर लेंगे तो भी ये इमेज यहाँ पे फुल स्क्रीन पे ऐड हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, आपको सारी इमेजेस आपको अपनी राइट क्लिक करके क्रॉप टू फिट पे कर लेना है, और ये सारी इमेजेस यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड करनी है। ऐसे ही दोस्तों, आपको ये भी तीसरी भी इमेज मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्रॉप टू फिट करना है, डबल क्लिक करना है। देखिए कुछ इस तरह से ये इमेज ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना म्यूजिक इम्पोर्ट करना है। तो कंट्रोल आई कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या इम्पोर्ट पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये म्यूजिक आपको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे 1080x22 पे ओके करना है, और यहाँ पे इसका कुछ इस तरह से इसको कर लेना। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, फोटो इसको इसका साइज बाकी मैं यहाँ से जो बीच में है यहाँ पे बाकी इसको रखता हूँ, बाकी इसका ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं इसको जब प्ले करूंगा तो कुछ इस तरह से प्ले होगा। दोस्तों, आपको इसको नीचे ड्रैग कर लेना, बाकी इसको मैं बाद में बताता हूँ। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, अपनी इमेजेस में फिल्टर लगाना है। तो दोस्तों, इसके लिए इमेज को ड्रैग करके ऊपर कर लेंगे अभी फिलहाल के लिए, और इसको इमेजेस इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ बहुत सारे फिल्टर होंगे। तो यहाँ से जो भी फिल्टर आपको लगाना है तो वो फिल्टर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये लगा लिया, ये लगा, जो भी आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक फिल्टर हो है, जैसे कि ये देखिए कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐसे इसको इस इमेज में ऐड कर दिया, इस इमेज में भी ऐड कर दिया, और इस इमेज में मैंने इसको ऐड कर दिया। इमेजेस को ऊपर कर लेते हैं, इसे ड्रैग करना है क्लिक करके। अब दोस्तों, क्या करना है, आपको आपके पास बहुत सारे हैं, और यहाँ से आपको इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे रेडियस टाइप करना है। रेडियस से दोस्तों ये क्या होता है, साइड साइड में दोस्तों ब्लैकनेस आ जाती है। तो आपको फुल कर लेना है यहाँ पे जहाँ तक वीडियो ऑडियो, और रेडियस से कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से शो होगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है। इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन में जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे पहले से ही एनिमेशन शो हो रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऊपर प्रीसेट पड़े हुए हैं, आप चाहें उन्हें ऐड कर क्यों सकते हैं, या फिर आप दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे, आप ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीसेट में जाके नीचे प्रीसेट मोशन लेगेसी पे क्लिक करेंगे, और उसके दोस्तों ये ऑप्शन है यहाँ पे फेड इन के, और यहाँ पे फेड टू जूम आउट के हैं, फेड टू जूम आउट के हैं, ये हैं, और यहाँ पे ऐसे कई सारे फेड स्लाइड, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे वो सब इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा आपको अभी। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ इस तरह से ये अब प्ले हो रहा है। लगता दोस्तों, आपको क्यों क्या करना है, अभी इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे प्लेयर ऐड करनी है, जो आप देखते होंगे लाइट। दोस्तों, कॉर्नर कॉर्नर में फोटो में लाइट इफेक्ट पड़ता है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। और दोस्तों, तो मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ, वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उसको भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपने फोल्डर से इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया दोस्तों, ये प्लेयर के नाम से मेरे पास पड़ी हुई है, और मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया इसके दोस्तों, इसको इसके ऊपर ड्रैग करना। अब इसको दोस्तों क्लिक करना है, इसको ऐसे करके कंट्रोल साथ ड्रैग करेंगे माउस के साथ, ये राउट रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको स्क्रीन के हिसाब से बड़ा कर लेना है, और मैंने यहाँ से भी करना है, यहाँ से भी करना है, चारों तरफ से इसको खींच के बड़ा कर लेना। बड़ा करने का दोस्तों, आपको कंपोजिंग में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नॉर्मल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे दोस्तों प्ले करने के बाद, तो इसमें ऐसा लाइटिंग दोस्तों कुछ इस तरह से ये प्ले होगी। और ऐसे इसकी कॉपी कर लेनी है, कॉपी करने के बाद लेयर पे क्लिक करना है,
इस तरह से। और यहाँ पे आपको आगे कर दिए ले जाके स्प्लिट का ऑप्शन लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना। और दोस्तों पेस्ट करने के लिए आपको ध्यान रहे नीचे वाली लेयर आप लॉक कर दें और यहाँ पे क्लिक करें और पेस्ट कर ले कुछ इस तरह से। पेस्ट करने के बाद जितना ज्यादा उसको कम कर लें और यहाँ से दोस्तों इसको इतना कर लेना ऐसे फुल। अब दोस्तों इसको प्ले करेंगे ना कुछ इस ऐसा तरह से यहाँ पे प्ले हो रहा है। लगता अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका नीचे ब्लैक स्क्रीन है आप इसको किसी सेफ के अंदर भी रख सकते हो। तो सेफ आप नेट से PNG डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लव ब्रश सेफ PNG आपने ये डाउनलोड कर लिया, या आप सिर्फ ब्रश PNG डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको मैंने डाउनलोड कर लिया दोस्तों, ये PNG है और इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया इस सेफ को। यहाँ से इसको कॉपी इमेज करके यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो बैकग्राउंड इसका रिमूव होने के लिए कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट। तो दोस्तों दूसरी इमेज कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करना है, ये इमेज को कॉपी कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी। और दोस्तों पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, कंट्रोल आई से इसको इम्पोर्ट कर लेना है। डाउनलोड्स में पड़ा, मैंने इसको इम्पोर्ट यहाँ पे कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको टॉप पे रखना है और इसका साइज भी फुल कर लेना कुछ इस तरह से यहाँ पे। अब दोस्तों इसको ड्रैग करके नीचे लाना है, नीचे लाने के बाद इसमें ड्रॉप शेडो क्रिएट करनी है आपको। इस पर डबल क्लिक करना है और इमेज में जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ड्रॉप शेडो का ऑप्शन शो होगा और ड्रॉप शेडो पे आपको इसका कलर कर लेना है ब्लैक, जो कि सेट है, यहाँ से ब्लैक कर लेना है। और इसका डिस्टेंस कम करना है दोस्तों कुछ इस तरह से, ब्लर इसका कम करना है और ओपेसिटी इसकी फुल कर लेनी है और यहाँ से इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद इसका दोस्तों थोड़ा साइज बड़ा कर लेना हमें और इसको नीचे से आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना जो वीडियो वाली लेयर है इसको सबसे ऊपर लेके आना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद कंपोजिंग में जाके इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको भी स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेना कुछ इस तरह से। अब इसको प्ले करेंगे तो ये कि इसके क्यों अंदर दोस्तों प्ले होगा, ये तेरी अब ये इसके अंदर प्ले होगा दोस्तों कुछ इस तरह से। और दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के पैनल पे जाना है। आपको जो भी कुछ लिखना है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे। आपको जो भी लिखना है आप इसमें वो लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ से आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हो या क्रिएट बाय लिख सकते हो, आप जो भी लिख सकते हो, टोटली आपके ऊपर है आपको क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, मीडिया वाले पे जाता हूँ, बहुत सारे इसमें टेक्स्ट है मेरे पास। तो मैं यहाँ सिंपली नीचे केवल नाम लिख दूंगा और मैंने ये ड्रैग कर लिया यहाँ से और इसको फिल कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों इसको यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए आपको, मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ, यहाँ पे टाइटल्स में जाऊँगा, कस्टम पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसको यहाँ तक फुल कर लेंगे। इसको पे डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे चाहो तो नाम लिख सकते हो या इसको आप ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पे जैसा आप वीडियो अपना प्ले करके देख लें, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या करना है, मैंने ऊपर ही लिख देना है तो ऐसा मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसको सेलेक्ट करना है YOUTUB स्टेटस से, या YouTube शुभम फॉर यू SHUBHAFORYOU आपको ये लिख दिया, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया और इसको ओके कर दिया। दोस्तों तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, आप ऐसे करके ऐसे करना चाहो, जैसा भी आपको सेट करना है वैसे कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर बॉर्डर भी लगाना तो इफेक्ट्स में जाना है आपको, और इफेक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल सारे इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे ऊपर सर्च करना BORDER बॉर्डर दोस्तों, या यहाँ पे सोने लगेगा बॉर्डर, आपको इसको ड्रैग कर लेना। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो बॉर्डर इफेक्ट खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसके कलर चेंज करके क्लिक करेंगे तो कोई भी यहाँ से कलर आप इसका कर सकते हैं, जैसा कि ये शो हो रहा है। आप यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हो जो भी इसमें शो हो रहा है दोस्तों। और यहाँ से लाइट पिंक कर लेता हूँ इसको, और ऐसे ही मैं इसको यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। लाइट ब्लू कर लेंगे दोस्तों तो ये ग्रेडियंट कलर शो होने लगेगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है, अभी इस समय ट्रेंडिंग में भी है। और यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका ब्लर और ये बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से आप इसको। मैं इसको फुल रखता हूँ, साइज इसका यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो आप, मैं इसको 1 पे रखता हूँ
और यहाँ से आप इसकी जो ये है ये भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका जो ग्रेडियंट है इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने इसको कर लिया। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है आपको, आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको ये पूरा यहाँ पे प्ले कर लेना। इसको फाइनली ऐसा प्ले करके देखना दोस्तों, तो आपका वीडियो लगता कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है, जो कि देखने में है काफी क्यों। कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों। बाकी आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, सारा आपके ऊपर है, आपको कैसे अपना स्टेटस क्रिएट करना है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी है आपके ऊपर है ऐसा दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, सब कुछ है, आप यहाँ पे एलिमेंट्स वगैरह हैं, एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। यहाँ पे आप लपका लगा सकते हैं, शेप्स हैं, यहाँ पे आप जैसे ये है आपने यहाँ पे रखा, और इसको जब प्ले करेंगे दोस्तों तो ये यहाँ पे इस तरह से अलग बूम होगा। तो मैं इसको यहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया कुछ इस तरह से। आप टोटली आपके ऊपर है दोस्तों, आपको क्या कब लगाना है, कहाँ पे लगाना है, आप इसको लगा सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपकी फोटोज है यहाँ पे आप और फोटो बदल सकते हो, या फिर मैं इन्हीं को कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे फोटो और बदल सकते हो। तो दोस्तों मैंने फोटो नहीं बदली, मैं यहाँ पे यही फोटो पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप इस फोटो को चेंज कर सकते हो। और चेंज करने के बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ से फोटो मैंने फुल कर दी, और अब आपका ऐसा स्टेटस कुछ इस तरह से ये लगता शो होगा दोस्तों, जो कि देखने में काफी ठीक लग रहा है। आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं और यूज कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अब इसको फाइनली मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। साइज में आपको बता दूं कि सेटिंग में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको MP4 सेलेक्ट करना है। अगर MP4 डिफॉल्ट सेलेक्ट है तो MP4, यहाँ पे अपने वीडियो का नेम रख लेना है, मैंने यहाँ पे लिख लिया फुल स्क्रीन। और आपको यहाँ पे साइज का जो है वही रहना है। यहाँ पे सेटिंग में जाके अगर आपको और अच्छा करना है तो देखिए यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सेटिंग लगी है 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से आपको 1000 पे क्लिक कर देना बिट रेट पे, और ये ऐसे है यहाँ पे 5.1 सराउंड अराउंड रखना है, और यहाँ पे 48, और यहाँ पे 192 या 190 आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपका देखिए 48.3 MB का आपका ये स्टेटस होगा दोस्तों। यहाँ से आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने का दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको फिल्मोरा से रिलेटेड और यूट्यूब ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियोज डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभम फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।